zombie apocalypse. भाई 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 आज कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे? तो भाई आज ना आज मैं 11 टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ जो कि सारे के सारे ओपी होने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले आप सभी लोगों को यार हमारा एक और फ्रेश वीडियो में दिल से स्वागत करता हूँ। तो भाई फर्स्ट नंबर जो ट्रिक्स है CPR पे सिंपली इस लंच पैड पे आपको आ जाना है और भाई जिस तरह से मैं एंगल कर रहा हूँ उस तरह से आप कर लेना। और भाई इस तरह से एंगल करने के बाद भाई आप इसके ऊपर आसानी से आ जाओगे और भाई यहाँ पे आने के बाद आप पूरी तरह से हाइड हो जाते हो। तो भाई यहाँ पे आने के बाद नीचे कोई भी बंदा रहे वो आपको नहीं देख पाएगा और भाई यहाँ पे आप पूरी तरह से हाइड हो जाते हो। और भाई यहाँ पे आने के बाद नीचे कोई भी बंदा रहे उसका बैंड बजा सकते हो, ठीक है। और भाई यहाँ से जो है आप इजीली रैंक पुश भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये वाला ट्रिक्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और भाई यहाँ से आप नीचे आसानी से जा सकते हो, ठीक है। तो भाई हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर ट्रिक्स की तरफ। तो भाई सेकेंड नंबर जो ट्रिक्स है ये भी CPR पे सिंपली ये वाला लंच पैड पे आपको आ जाना है और भाई ये वाला लंच पैड को जिस तरह से मैं एंगल कर रहा हूँ उस तरह से आप कर लेना। और भाई इस तरह से करने के बाद जो है आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हो। तो भाई इस एयरशिप पे नहीं, भाई एयरशिप पे नहीं, इस जगह पे आ सकते हो, ठीक है। तो भाई इस जगह पे आप आ जाओगे और भाई यहाँ पे आने के बाद पूरी तरह से आप हाइड हो जाते हो और भाई नीचे कोई भी बंदा रहे वो आप मतलब उसका आप आसानी से। तो भाई बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर की तरफ। तो भाई थर्ड नंबर जो ट्रिक्स है ये भी ओपी है क्योंकि भाई मैंने ये वाला जगह को थर्ड नंबर पे रखा है। तो भाई ये वाला जगह भी आपको कैसा लगा, ये वाला ट्रिक्स आपको कैसा लगा, ये वाला हाइडन प्लेस आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। तो भाई ये वाला जगह जो है मुझे लग रहा है ओपी है क्योंकि भाई यहाँ पे आने के बाद भी आप किसी का भी बैंड बजा सकते हो, नीचे कोई भी बंदा रहे उसका आप आसानी से किल कर सकते हो और अपना रैंक भी पुश कर सकते हो। तो भाई ये वाला जगह कैसा लगा जरूर बताना। तो बढ़ते हैं हम लोग फोर नंबर की तरफ। तो भाई फोर नंबर जो ट्रिक्स है ये भी ओपी है भाई। इसी लॉन्च पैड पे आपको आ जाना है और यहाँ पे जो है इस तरह से एंगल कर लेना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो भाई इस तरह से एंगल करने के बाद जो है आप यहाँ पे जो है इस जगह पे आसानी से आ जाओगे ये वाला पेड़ पे और भाई यहाँ पे आने के बाद जो है आप पूरी तरह से हाइड हो जाते हो। तो भाई ये वाला ट्रिक्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। तो भाई हम लोग बढ़ते हैं फाइव नंबर की तरफ। तो भाई फाइव नंबर जो ट्रिक्स है ये भी ओपी है, ठीक है। तो भाई यही लंच पैड पे आपको एक बार और आ जाना है और जिस तरह से मैं एंगल कर रहा हूँ उस तरह से एंगल कर लेना, ठीक है। तो भाई इस तरह से एंगल करने के बाद आप ये वाला एल शेप के ऊपर आ जाओगे। इसके छत पे आने के बाद भाई आप पूरी तरह से हाइड हो जाते हो और भाई नीचे कोई भी बंदा रहे उसका बैंड बजा सकते हो। तो भाई इसमें जो है आप इधर से कोई बंदा रहे तो आप दूसरे साइड में जा सकते हो और इधर पे कोई बंदा रहे तो दूसरे साइड में जा सकते हो। तो मतलब यहाँ पे जो है कवर लेने के लिए जगह भी बना हुआ है और यहाँ पे हाइड होने के लिए जो है ये बहुत अच्छा जगह है। तो भाई ये भी ट्रिक्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, ठीक है। तो भाई यहाँ भी आने के बाद अपना रैंक जो है इजिली पुश कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो भाई हम लोग बढ़ते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर जो है ये भी काटुलिस्टिवा के ऊपर जो लंच पैड है उस पर आ जाना है। तो भाई जिस तरह से मैं एंगल कर रहा हूँ उस तरह से एंगल कर लेना और भाई इस तरह से एंगल करना और भाई इस वाले पेड़ पे आप आ जाओगे और यहाँ पे आने के बाद भाई आप पूरी तरह से हाइड हो जाते हो। लेकिन भाई यहाँ भी आप जो है रैंक पुश कर सकते हो। तो भाई ये वाला ट्रिक्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। तो हम लोग बढ़ते हैं भाई सेवन नंबर। तो भाई सेवन नंबर जो है ये भी काटुलिस्टिवा पे ही है। तो भाई काटुलिस्टिवा पे आने के बाद ये वाला एल शेप पे आ जाना है और भाई नीचे से कोई बंदा अगर आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है तो भाई आप उसको जो है आप चकमा दे सकते हो। इस तरह से जो है आप इसके पीछे जो है आ सकते हो जिस तरह से मैं आ रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे आने के बाद भाई वो बंदा अगर सीढ़ी से ऊपर आएगा तो आप खिड़की से जो है आप इसका विंडो से जो है उसका किल कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप उसका किल कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये जो है क्लैश स्क्वाड में बहुत अच्छा काम आता है लेकिन भाई ये तो अभी क्लैश स्क्वाड में दिया ही नहीं है बरमूडा रीमास्टर मैप। तो भाई एक बार और दिखा देता हूँ। इस तरह से जो है इस जगह पे आ जाना और भाई अपना स्कोप ले लेना और भाई जॉयस्टिक को नीचे की तरफ धीरे से खींच लेना और भाई इस तरह से जो है इस जगह पे आप आसानी से आ जाओगे। और भाई यहाँ पे आने के बाद भाई कोई भी नीचे से बंदा आ रहा होगा उसको आप आसानी से इस खिड़की से जो है इस विंडो से आप
आसानी से किल कर सकते हो। तो भाई ये वाला ट्रिक्स ओपी था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भाई हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। तो भाई 8 नंबर भी जो है काटुली स्टिवा पे ही है। सिंपली इस जगह पे आपको आ जाना है जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद भाई इस जगह पे जो है यहाँ पे इस जगह पे मतलब घास पड़ा हुआ है। ये वाला घास को पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, ये वाला प्लांट है इस जगह पे, ये वाला पौधा जो है इस जगह पे आ जाना है। इस तरह से जो है इसके अंदर घुस जाओगे और भाई किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई है। और भाई आसपास में भी कोई बंदा गुजर जाए तो भाई उसका नज़र यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है और भाई इजीली आप उसको भी किल कर सकते हो। तो भाई ये वाला ट्रिक्स भी ओपी था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। तो भाई ये वाला पौधा थोड़ा सा बड़ा है तो भाई यहाँ पे आप आसानी से छुप सकते हो। तो भाई हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर भी काटुलिस्ट हुआ पे ये वाला लॉन्च पैड पे आ जाना है। और सिंपली भाई ये वाला जो है एंगल को इस तरह से कर लेना और ये वाला पेड़ पे आप आसानी से हाइड हो सकते हो। तो भाई यहाँ पे 3-4 पेड़ ऐसा है जो कि आप आसानी से हाइड हो सकते हो ये वाला लॉन्च पैड से। तो भाई ये वाला ट्रिक्स भी ओपी है, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भाई हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। तो भाई 10 नंबर जो है वो भी ओपी है, हम ले चलते हैं आपको 10 नंबर के पास। तो भाई 10 नंबर जो है क्लॉक टावर में भाई ये वाला जगह आप सबको पता है, लेकिन भाई ये सही में ओपी है क्योंकि भाई क्लॉक टावर में ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा लड़ाई उड़ाई हो जाता है उसके बाद भाई छुपने का जगह नहीं रहता है। तो भाई इजीली आप यहाँ पे आ सकते हो और अपना रैंक पुश कर सकते हो। तो भाई हम लोग बढ़ते हैं 11 ट्रिक्स के पास। तो भाई 11 जो है ये भी ओपी है क्योंकि भाई ये है क्लॉक टावर में और क्लॉक टावर कैसा जगह है आपको भी पता है। तो भाई इस जगह पर आने के बाद भाई आप ये जो केले का पेड़ है भाई, पता नहीं केले का है या क्या चीज़ का है, तो भाई यहाँ पे जो है आ जाना है और इसके ऊपर जो है स्कोप लेके इसके ऊपर आसानी से आ जाओगे। और भाई यहाँ पे बैठ जाना या कुछ भी हो जाना, या तो आप लेट जाना, लेटने से जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि भाई आप यहाँ से ज़्यादा हाइड हो सकते हो, ठीक है। तो भाई इस तरह से जो है आप हाइड हो जाते हो और यहाँ से भाई इजीली कोई आपको नहीं देख पाएगा। तो भाई इस तरह से हाइड होने के बाद आप किसी का भी बैंड बजा सकते हो। तो भाई मैं इतना कुछ अगर आपने देख चुका है और भाई इतना लास्ट तक मेरा वीडियो को देख रहे हो, तो भाई मैं लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो भाई क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब वाला बटन को जो है दबा दो यार, ठीक है, प्लीज़ यार एक बार दबा दो यार, ठीक है, दबा दो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और भाई बेल वाला आइकन को भी ऑल पे सेट करके रखो क्योंकि भाई इस तरह का वीडियो जो है मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो भाई जैसे ही अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा यार। तो प्लीज़ भाई दबा दो सब्सक्राइब वाला और बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट करके रखो। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना भाई, बहुत मेहनत करता हूँ भाई, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और भाई ये था 11 नंबर ट्रिक्स मैंने दे चुका है, लेकिन भाई एक ट्रिक्स फ्री में दे रहा हूँ, वो है 12 नंबर ट्रिक्स मतलब 12 नंबर ट्रिक्स। तो भाई ये वाला ट्रिक्स है नूरेक डैम पे। सिंपली इस जगह पे आपको आ जाना है और इस जगह पे आने के बाद भाई यहाँ पे इसके ऊपर आ जाना, आसानी से आप इसके ऊपर आ जाओगे, ठीक है। और आने के बाद भाई इसके अंदर कोई भी बंदा आए ऊपर से आप आसानी से किल कर सकते हो। तो भाई ये वाला ट्रिक्स फ्री में था, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो भाई मैंने जो है 11 ट्रिक्स दे चुका है और 11 के 11 ओपी था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना यार, प्लीज़ यार। भाई मैंने 11 ट्रिक्स जो दे रखे हैं ना, 11 के 11 मुझे ओपी लगा भाई, आप बना रहे थे तभी मैंने देख लिया था भाई ओपी था। तो भाई आप लोग को भी कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।